हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछली वीडियो में हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। तो रियल नंबर का ही पार्ट होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था उसमें थोड़ा बहुत, और हमने कई सारे क्वेश्चन किए थे यूक्लिड डिवीजन लेमा के, एचसीएफ एलसीएम वाले क्वेश्चन किए थे हमने कि कैसे हम एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है, डिवीजन मेथड से। अब हम करेंगे इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, और हम ये भी पढ़ेंगे इसमें कि हम इरेशनल नंबर, कोई नंबर इरेशनल है इसे कैसे प्रूव करते हैं। जैसे कि रूट वाले नंबर, जैसे कि रूट टू इरेशनल है, तो इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो हमने रेशनल नंबर हमने जूनियर क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़े हैं रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर्स जो p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम p अपॉन q की फॉर्म में। p अपॉन q का मतलब क्या है, यानी कि हम वो नंबर्स जो फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, वो p अपॉन q की फॉर्म हो गई, ठीक है। p अपॉन q फ्रैक्शनल फॉर्म हो गई, वो नंबर रेशनल नंबर है। साथ ही में जो डिनोमिनेटर है यानी कि q है, वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। और साथ में तीन कंडीशन है रेशनल नंबर, कोई नंबर कब होगा जब तीन कंडीशन पूरी फुलफिल होंगी। पहली कंडीशन ये है कि वो फ्रैक्शन होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन में यानी इसकी क्यू, वो कभी भी जीरो नहीं होगा, इट विल नेवर बी जीरो। थर्ड कंडीशन है कि पी और क्यू इंटीजर्स होंगे। मैंने ये दिखाया, इसका क्या मतलब है, पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू जेड। इस वाले साइन को हम क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू का साइन बोलते हैं, बी एल ओ एन बिलोंग्स टू, यानी कि बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या है, इंटीजर, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसलिए वीडियो स्टार्टिंग में बताया था आपको, ठीक है। जेड क्या होते हैं, इंटीजर, यानी कि पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। तीन कंडीशन है रेशनल, मैं अभी रेशनल पढ़ा रही हूँ, ठीक है, रेशनल बता रही हूँ, मैं अभी इरेशनल नहीं बता रही हूँ, ठीक है। हम रेशनल पढ़ेंगे, इरेशनल अब ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जिसमें डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ पी अपॉन क्यू, सॉरी पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, ठीक है। पी और क्यू क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, ठीक है ना, ठीक है। अब इरेशनल नंबर क्या है, अपोजिट है, इसके बिल्कुल अपोजिट है, अपोजिट है, दोनों अपोजिट है। इसका मतलब क्या है कि जो भी कंडीशन रेशनल नंबर की फुलफिल होती है वो इरेशनल नंबर में नहीं होगी, ठीक है। जो भी कंडीशन रेशनल नंबर फुलफिल करते हैं वो सारे रेशनल नंबर नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। अब मैं बताऊंगी कि इरेशनल नंबर किस किस तरह के होते हैं। इरेशनल नंबर कौन कौन से, जैसे कि जो नंबर रूट में होते हैं, अंडर रूट वाले नंबर्स, जिनके ऊपर अंडर रूट लगा होता है, वो नंबर्स कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर, जैसे कि अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट सेवन, अंडर रूट फाइव एटसेट्रा। तो ये सारे नंबर्स कैसे हैं, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। यानी कि ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते, पी अपॉन क्यू की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते, क्योंकि ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अंडर रूट वाले जो नंबर्स होते हैं हमारे, वो होते हैं इरेशनल नंबर साथ में ही। और जो हमारे डेसिमल वाले नंबर होते हैं, जिनके बाद हमें पता नहीं होता है कहां तक इनके एंड होंगे, जैसे कि 1.3792487913, मतलब ये कोई इनकी कोई सीरीज नहीं है, ठीक है। हमें पता नहीं है कि कौन सा नंबर आएगा और कौन सा नंबर नहीं आएगा, तो ये वाले नंबर भी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि जैसे कि जो रूट वाले नंबर है, अंडर रूट वाले नंबर्स है, अंडर रूट वाले इरेशनल नंबर है, हम उनको ये प्रूव करेंगे कि वो इरेशनल है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा, शो दैट रूट थ्री इज इरेशनल, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो हम क्या करेंगे, उनको अपोजिट लेके, अपोजिट अज्यूम करके हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले करेंगे रूट टू वाला, जस्ट हैव अ लुक। अब देखो हमारा क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर, हमें पता है कि रूट टू इरेशनल है, पर हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक है, ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि रूट टू एक रेशनल नंबर है, लेट अस अज्यूम दैट, हम अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि रूट टू एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो देयर मस्ट बी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, दो पॉजिटिव इंटीजर होंगे ए एंड बी, यानी कि देखो रेशनल नंबर है ये, तो हम इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो उसकी फॉर्मेट हो जाएगी एक तरह से, ए अपॉन बी की फॉर्मेट, ठीक है, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। तो ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है और को प्राइम भी है, को प्राइम क्यों है, ए और बी, देखो ए और बी को प्राइम है, इसका मतलब कि ये इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ वन है,
कॉमन फैक्टर वन होने का मतलब कि ये दोनों सिर्फ वन की टेबल में ही साथ आते हैं। अब एग्जांपल लेके देखते हैं हम थ्री और एट का, है ना। थ्री और एट सिर्फ वन की टेबल में कॉमन है और किसी टेबल में साथ में नहीं आते हैं। इसका मतलब थ्री और एट क्या है, को प्राइम नंबर, को प्राइम है इसका मतलब थ्री और एट, ठीक है। इसके बाद देखो ए अपॉन बी हो गया इस तरह से, फिर हम ए और बी को प्राइमिंग आता हमने कर लिया। फिर हम दोनों साइड से स्क्वायर कर देंगे, क्यों करेंगे इसको और फर्दर सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि एक साइड तो हमारे पास हमें पता है इरेशनल नंबर है और दूसरी साइड हमारे पास वेरिएबल्स है, ठीक है। तो देखो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो रूट टू मल्टीप्लाई बाय रूट टू, ए मल्टीप्लाई बाय ए, बी मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है। तो रूट टू मल्टीप्लाई बाय रूट टू टू कैसे हुआ, देखो कोई भी नंबर होगा रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स कितना होगा एक्स, यानी कि अगर टू टाइम्स कोई रूट वन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका नंबर इटसेल्फ हमारा रिजल्ट होता है। तो इस तरह से रूट टू मल्टीप्लाई बाय रूट टू टू, और नंबर सेम होंगे तभी हमारा आंसर वही आएगा नंबर इटसेल्फ, ठीक है। ए मल्टीप्लाई बाय ए, ए स्क्वायर हो गया, बी मल्टीप्लाई बाय बी, बी स्क्वायर हो गया, आया समझ में। उसके बाद हमने क्या किया, बी स्क्वायर को हम टू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर होगा, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल्स टू टू बी स्क्वायर। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद में अब देखो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी, ए स्क्वायर इक्वल्स टू टू बी स्क्वायर, ठीक है। अगला ध्यान से समझना, मैंने यहाँ लिखा है सिंस टू बी स्क्वायर इज इवन, टू बी स्क्वायर इज इवन, ये हमने कैसे लिखा, कैसे पता लगा कि हमें ये इवन है। देखो बी स्क्वायर है उसके आगे टू लगा हुआ है, टू से ही हमें चला कि ये इवन है। कैसे, क्योंकि टू में टू और टू के सारे मल्टीपल्स क्या होते हैं, इवन, टू और उसके मल्टीपल्स, मल्टीपल्स मतलब उसके टेबल में आने वाले जितने भी। तो अब b की वैल्यू कुछ भी हो पर उसके आगे 2 लगा हुआ है यानी कि वो इवन ही होगा, ठीक है। और हमने ए स्क्वायर को 2b स्क्वायर ही इक्वल में लिखा हुआ है यानी कि ए स्क्वायर भी इवन होगा। अगर ये इवन है और इसके इक्वल में ये लिखा हुआ है तो ये भी इवन होगा, ठीक है। 2b स्क्वायर इज इवन, 2b स्क्वायर इवन है इसलिए ए स्क्वायर इवन होगा, ठीक है। अब ए स्क्वायर इवन हो गया, ठीक है। उसके बाद में इफ ए स्क्वायर इज इवन, अगर ए स्क्वायर इवन है तो ए भी इवन होगा। कैसे, देखो एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे फोर टू का स्क्वायर क्या होता है, फोर। अब टू भी इवन है, फोर भी इवन है, सही है ना, ठीक है। यानी कि स्क्वायर टू भी इवन है, जैसे कि टू का स्क्वायर है फोर, तो टू भी इवन है, फोर भी इवन है। तो यानी कि अगर ए स्क्वायर इवन है तो ए भी इवन होगा, अगर ए स्क्वायर ऑड होता तो ए भी ऑड होता, पर ये इवन है तो हमने इस वाली इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन मान लिया, ठीक है। अब क्योंकि ए भी इवन हो गया, ए स्क्वायर की वजह से ए इवन हो गया, तो हमने किस तरह से लिख दिया, से ए इक्वल्स टू टू सी। मैंने क्यों लिखा इसको टू सी के इक्वल, क्योंकि हमें पता चला कि ए इवन है तो यानी कि वो टू का ही मल्टीपल है, टू का मल्टीपल है, इसलिए मैंने उसको टू, और सी एक मैंने नया एलिमेंट यहाँ पे नोट कर दिया। सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वन टू थ्री फोर कुछ भी हो सकती है, अगर कुछ भी आप ऐड करोगे यहाँ पर तो ये ए की वैल्यू इवन ही आएगी, ठीक है। ए की वैल्यू इवन ही आएगी क्योंकि ए क्या है अपना इवन, इसलिए मैंने ए इक्वल्स टू टू से लिखा था। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर इक्वल्स टू कैसे होगा, ए मल्टीप्लाई बाय ए, टू मल्टीप्लाई बाय टू, सी मल्टीप्लाई बाय सी, ए मल्टीप्लाई बाय ए, टू मल्टीप्लाई बाय टू, सी मल्टीप्लाई बाय सी। तो ए स्क्वायर टू टू फोर सी स्क्वायर लिखा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू फोर सी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले इक्वेशन का यूज करेंगे। हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन कौन सी है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, हम इसका यूज करेंगे। अब देखो इधर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इसके जो इक्वल में लिखा है हम इन दोनों को इक्वल में रख देंगे क्योंकि ये दोनों ए स्क्वायर के इक्वल है तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। तो टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर सी स्क्वायर। इसके बाद में हमने इस वाले टू को इधर नीचे हमने ट्रांसफर कराया इधर आर एच एस में, तो ये कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर इक्वल्स टू टू सी स्क्वायर हो गया। आया समझ में आता, अब यही वाली सेम चीज होगी हमने वापस से, पहले हमने ए के लिए किया था ये अब हम बी के लिए करेंगे। तो देखो आप
स्क्वायर इज इवन, टू सी स्क्वायर इवन है, कैसे है, क्योंकि ये टू का मल्टीपल है, टू आ रहा है इसमें, यानी कि ये इवन है, ठीक है, इवन है इस, और बी स्क्वायर इसके इक्वल में लिखा हुआ तो बी स्क्वायर भी इवन होगा, ठीक है। अब बी स्क्वायर इवन है तो बी भी इवन हुआ, ए स्क्वायर इवन था तो ए भी इवन था, आया समझ में। तो इसको हमने सेकेंड इक्वेशन बना लिया, किसको, बी इज इवन, सॉरी थर्ड इक्वेशन बना लिया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन कौन सी थी हमारी, ये वाली, थर्ड इक्वेशन कौन सी हो गई, ये वाली थर्ड इक्वेशन ये हो गई कि बी स्क्वायर अगर इवन है तो बी भी इवन होगा, ए स्क्वायर इवन तो ए भी इवन होगा। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता चला कि ए और बी जो है वो दोनों टू के कॉमन फैक्टर है, पर हमें स्टार्टिंग में हमने ये पढ़ा था कि ये दोनों कोप्राइम है, यानी कि वन के अलावा किसी के टेबल में नहीं आते। अब ये बोल रहे हैं कि ये टू के कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब जो हमने सपोज अब अज्यूम किया था वो रॉन्ग था। हमने क्या अज्यूम किया था कि रूट टू रेशनल नंबर है, इसलिए हमारी अजम्पशन रॉन्ग है, रूट टू इरेशनल है, क्योंकि यहाँ पे कभी बोल रहे हैं कि कॉमन फैक्टर वन है कभी टू, तो इसका मतलब हमारा अजम्पशन रॉन्ग है। तो ये क्या हुआ, रूट टू इरेशनल नंबर। अब इसके बाद हम टू टर्म्स वाला इरेशनल नंबर को प्रूव करने का क्वेश्चन करेंगे। अब देखो ये दो टर्म वाला है हमारा, दो टर्म कैसे है, एक ये हो गई एक ये हो गई, दो टर्म हमारी इरेशनल में, ठीक है, ये उससे इजी है, हमारे सिंगल टर्म वाले से इजी होते हैं वाले क्वेश्चन, देखो इधर। तो उसकी उसी वाले क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, सबसे पहले अज्यूम कर लेंगे कि 3 + √5 रेशनल नंबर है। हम गलत अज्यूम करते हैं ताकि हम जो प्रूव कर रहे हैं वो हम प्रूव कर सकें, ठीक है। तो देखो अगर ये इरेशनल है तो दो पॉजिटिव इंटीजर होंगे, ठीक है, ए और बी, उसी की तरह, क्योंकि रेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म, पी अपॉन बी के फॉर्म में होते हैं, तो हमने उसी फॉर्म में लिख दिया इसको, ठीक है, जहां पे ए और बी कोप्राइम है, कोप्राइम यानी कि ये सिर्फ वन के कॉमन फैक्टर है। अब हम वन के कॉमन फैक्टर है क्यों बोलते हैं, सिर्फ कोप्राइम ही क्यों बोलते हैं, ताकि ये आपस में कैंसिल ना हो, ठीक है, ताकि आपस में कैंसिल ना हो। अब हम क्या करेंगे, हमने इस थ्री को आर एच एस पे शिफ्ट कर दिया, इधर आर एच एस पे शिफ्ट कर दिया, तो हमारा माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे इधर माइनस का साइन आएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो एलसीएम लिया आपने, एलसीएम लिया तो थ्री भी हो गया इधर, ठीक है। अब ये वाला पार्ट हमें पता है रूट फाइव इरेशनल होता है, रूट टू रूट थ्री, यानी कि बेसिकली रूट वाले जो पार्ट होते हैं वो इरेशनल होते हैं, हमारे इरेशनल चीजें होती हैं वो, ठीक है। अब इधर देखो ए माइनस थ्री बी अपॉन बी, ये किस फॉर्म में है, हमारे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, इसमें बी जीरो भी नहीं है और ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है दोनों, तो इसका मतलब ये वाली साइड क्या हुई हमारी, पूरी रेशनल हो गई, और ये वाली साइड क्या हो गई हमारी, इरेशनल, ठीक है। इसका मतलब कुछ गलत हुआ है इसमें, इक्वल तो हो ही नहीं सकते हैं, अगर ये इरेशनल है इरेशनल इक्वल कैसे हो गया, ठीक है। तो देखो आप कैसे करेंगे इसे, तो देखो ये वाला पार्ट तो हमारा इरेशनल है, ये वाला पार्ट रेशनल है, क्यों, क्योंकि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, ये क्यों रेशनल है, ये सारी रेशनल नंबर की है जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रहे हैं, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, यानी कि एन अपॉन डी जो भी है, इसमें बी कभी भी जीरो नहीं होगा, यानी कि क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं है, क्योंकि ये कोप्राइम है, ठीक है। और पी और क्यू हमने स्टार्टिंग में लिखा था, ये हमारे यानी ए और बी क्या है, हमारे इंटीजर्स, ठीक है, ए और बी हमारे क्या है, इंटीजर्स। तो ये तीनों हमारी जो है रिक्वायरमेंट वो सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो जो हमने स्टार्टिंग में अजम्पशन की थी कि 3 + √5 इज रेशनल, वो रॉन्ग है, इसका मतलब हमारा 3 + √5 एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देखो, फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम हम पढ़ चुके हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, हमें निकालना आता है ये एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। देखो एचसीएफ सिर्फ एक नंबर का निकलता है एक बार में, जैसे कि 25 हो गया, 25 को मैं एचसीएफ निकालूंगी, 5 5 25 5 1 5, इस तरह से मतलब कुछ इस तरह से, यानी कि एक नंबर का एक बार निकलता है, 25 का निकाल दिया, 25 का निकालूंगी, 50 का निकालूंगी, दो नंबर का मतलब दो निकालेंगे, दो नंबर का ही, पर हम अलग अलग सॉल्व करते हैं इनको, 25 को अलग सॉल्व करूंगी, 50 को अलग सॉल्व करूंगी। पर एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में हम दोनों को साथ में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें इनकी कॉमन मल्टीपल पता चल जाता है, यानी कि कॉमन कौन कौन से नंबर है ऐसे जो इन दोनों को ही डिवाइड कर सकते हैं,
जो इन दोनों ही मल्टीपल से है ना, तो इस तरह से कर सकते हैं हम, ठीक है। अब अगर देखो, अगर हमें किसी क्वेश्चन में कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें हमें उसमें HCF और LCM पता है, दो नंबर है हमारे पास, यानी कि देखो इधर, इफ A एंड B आर टू नंबर्स, दो नंबर ले लिया हमने कोई से भी, A और B दो नंबर है हमारे पास, ठीक है, उन दोनों का HCF पता है, LCM पता है, दो नंबर्स है, उन दोनों का HCF पता है, LCM पता है, और नंबर्स कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो प्रोडक्ट होता है वो, यानी कि अगर कोई भी एक चीज अगर गिवन नहीं है, कोई भी एक चीज अगर गिवन नहीं है, तो हमारे पास ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है जिससे कि हम ये निकाल सकते हैं। अब इसके भी हम एग्जांपल करेंगे, पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझाऊंगी, प्राइम फैक्टराइजेशन फिर से हम एक बार पढ़ेंगे, हमने पहले भी प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, पर मैं आपको फिर से क्या बताऊंगी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है, उसके बाद हम इस फॉर्मूला के हम क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है, कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आता है, ठीक है, और इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, हमारे एग्जाम में भी बनते हैं कई सारे क्वेश्चन इसके। यहाँ पे ए और बी क्या है, एलसीएफ ऑफ ए और बी, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए और बी को मल्टीप्लाई करके, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल हमें एचसीएफ नहीं पता है, एलसीएम पता है, ए और बी पता है, यानी कि नंबर्स पता है दोनों, और एलसीएम हमने निकाल दिया, हमें एचसीएफ निकालना है, तो हम यहाँ पे एचसीएफ इस फॉर्मूले से हम उसको निकाल सकते हैं सारी वैल्यूज प्लेस करके, ठीक है। तो आप पढ़ते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और उसके क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन समझेंगे हम, एक एग्जांपल से देखो, हमें क्वेश्चन में बोला है कि 144 के बाद प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमें, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, ऐसे अगर से कुछ नहीं लिखा, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा है कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 144 का, तो हम क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे यूजिंग प्राइम नंबर, यानी कि छोटे से छोटे नंबर हम यूज करेंगे इसमें जो कि प्राइम नंबर हो, ठीक है। सबसे पहले 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, अब आ गया 2, ठीक है, अब 2 से डिवाइड हो गए 9 आ गया, 3 से होगा 3, क्या है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद की टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आते, ठीक है, यानी कि जो जिनके वन और नंबर इटसेल्फ उनका फैक्टर होता है, उनके कोई फैक्टर नहीं होते, ठीक है। प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर वन से, या फिर नंबर या तो वन या फिर खुद से ही डिवाइड होते हैं, वो खुद के ही मल्टीपल होते हैं, वो है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमारे क्या है, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह से ये सारे क्या है हमारे प्राइम नंबर, क्योंकि ये किसी और के टेबल में नहीं आते, ये सिर्फ खुद के टेबल में ही आते हैं, किसी और के टेबल में नहीं आते, या फिर वन के टेबल में आएंगे, ठीक है, वन से। अब देखो यहाँ पे 3, 3 3 9, 3 1 3, तो ये इस तरह से हमारा हमने एचसीएफ निकाल लिया इसका। अब क्या होगा, देखो 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 4 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, इस तरह से। अब हमें बोला कि प्राइम फैक्टराइजेशन से, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया इसका, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि प्राइम नंबर फैक्टर आएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि प्राइम नंबर जब किसी नंबर के फैक्टर हमें दिखाने हो, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि प्राइम नंबर जब हमें किसी नंबर के फैक्टर्स दिखाने हो, फैक्टर्स, ठीक है, यानी कि उससे डिवाइड हो रहे हैं, 144 किसका फैक्टर है, 2 और 3 का फैक्टर है, ठीक है, तो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर होते हैं जो खुद से या वन से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस जिसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन, देखो हमारा क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। इसमें हमें 144, 180 और 192 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है हमें, ठीक है, एचसीएफ एंड एलसीएम। देखो सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, देखो 144 का निकालोगे, हमने इसको एचसीएफ निकाला तो कितना आया, 2 टू द पावर 4 कैसे लिखा मैंने यहाँ पे, कितने टाइम्स है 2, 1, 2, 3, 4 टाइम्स 2 टू द पावर 4। अब 3 टू द पावर 2 कैसे, 3 कितने टाइम्स है, 2 बार है 3, तो 3 की पावर 2 सेकेंड वाला देखो, 180 में हमने सॉल्व किया जब एचसीएफ निकाला तो कितना आया, 2 की पावर 2 आएगी, 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है,
ऐसे 5 की पावर 1 है क्योंकि 5 एक ही बार है यहाँ पे, ऐसे 3 की पावर 2 है क्योंकि यहाँ पे 3 टू टाइम्स है, 192 का निकाला हमने, 192 का एलसीएम निकाला, तो 2 की पावर कितनी आ गई 6 है, क्योंकि 2 कितने टाइम्स है 6 टाइम्स है, ठीक है, और 3 की पावर कितनी आ गई 1, क्योंकि 3 कितने टाइम्स है 1 टाइम है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या निकाल लेंगे इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, देखो कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, सिर्फ 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, उसमें भी 2 है, 2 है पहले तो 2 हमारा हो गया, फिर 3 इसमें भी है, इसमें भी है, और 192 में भी है 3 भी हो गया। अब इसमें 5 आ रहा है तो 5 नहीं है, 5 तो सबसे पहले 5 कैंसिल हो गया, 5 नहीं है, जो सब में सेम होगा वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। अब 2 देख लो, सबसे कम 2 किसमें है, सबसे कम 2 किसमें है, इसमें 2 की पावर 4 है, इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 6 है, सबसे कम किसमें है 2 की पावर 2, यानी कितने कॉमन है 2 कॉमन है, क्योंकि इसके पास 2 ही 2 है, इसके पास 4 2 है, उसके पास 6 2 है। सबसे पहला क्या होगा एचसीएफ में, सबसे पहले हम लिख देंगे एचसीएफ में क्या लिख देंगे, सबसे पहले 2 टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय, अब 3 कितने हैं, 3 सबसे कम किसके पास है 192 के पास में, 3 की पावर 1 रिजॉल्व करेंगे कितना आएगा 2 टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया 12, हमारा एचसीएफ कितना आ गया 12 आ गया हमारा एचसीएफ, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा आ गया 12। अब वही हम निकालेंगे हमारा एलसीएम, ठीक है, एलसीएफ इतना आ गया हमारा कितना है 12 आया है, ठीक है, अब निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम तो कैसे निकलेगा, एलसीएम इक्वल्स टू 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 1, ऐसे कैसे हुआ, देखो कैसे आया ये, सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की 6 है, तो 2 टू द पावर 6, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 की सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है 3 की पावर 2, और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 5 की पावर 1, तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आएगा अपने पास में 2880, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया 2880, ठीक है, यानी हाईएस्ट पावर जितनी जो होगी हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर जो होगी उसको मल्टीप्लाई करना है अब सारे ही नंबर्स की, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो उस फॉर्मूला पे बेस्ड है, एचसीएम मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जैसे कि ए मल्टीप्लाई बाय बी, अब वो वाला क्वेश्चन करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है ये जो हम उस फॉर्मूले के ऊपर करेंगे, ठीक है, वो फॉर्मूले पे बेस्ड नहीं वाला, तो हमें क्या करना है इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि वही फॉर्मूला हमें वेरीफाई करना है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले 2 नंबर्स हमें दिए हुए 90 और 144, तो हम क्या करेंगे इसका एलसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, तो हमने इसको एचसीएफ निकाला, ठीक है, इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट करा। उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, इसमें सबसे नंबर कम नंबर ऑफ 2 कितने हैं 1, इसमें कितने हैं 1, तो कितना हुआ 2 की पावर 1 आ गया, इसमें 4 है इसमें 1 है, ठीक है, इसमें कितना आ गया 2 की पावर 4। फिर देखो अब देखो अब 3 में देखेंगे इधर की साइड कितने 3 है, इधर 2 है, इधर कितने हैं, इधर भी 2 है 144 की साइड में, तो कितना जाएगा 3 की पावर 2 लिखेंगे, 5 इधर 1 है इधर 0 है, तो हम लिखेंगे नहीं 5 को, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं क्योंकि, उसके बाद देखो मल्टीप्लाई करके 2 की पावर 1 की पावर 2 और 3 की पावर 2 की पावर 9, 3 3 9, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होगा 18, तो हमारा एचसीएफ आ गया 18। अब निकालेंगे एलसीएम, ठीक है, अब हम इसको वेरीफाई करते हुए हम एलसीएम निकालेंगे, हमारे पास ये फॉर्मूला था एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, हमने एचसीएफ निकाल दिया 18 आ गया, एलसीएम निकालना है हमें, ठीक है, एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड कर लिया और वेरीफाई करना है, वेरीफाई और एलसीएम दोनों साथ में कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कितना है, नंबर कितने हैं 1 तो 90 और 1 कितना है 144, ठीक है, एलसीएम निकालना है तो 18 को साइड ले जाऊं मैं, कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे, 2 9 18, 2 7 14, 2 2 4, ठीक है, 9 8 72, तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 720, ये तो एलसीएम आ गया, हमने वेरीफाई भी कर दिया,
अगर आप एलसीएम वैसे एक मेथड से निकाल कर निकालोगे तब भी यही आंसर आएगा, तो आप इसे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो हमने ये सब पढ़ा कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हम कैसे एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, है ना, और इरेशनल नंबर के प्रूफ्स क्या होते हैं, और हम कैसे फॉर्मूले से हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।